इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन के चलते कुछ बदमाशों ने चाकू निकालकर संबंधित व्यक्ति को जमकर धमकाया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में प्रकरण दर्ज कर पूरे ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का कंस्ट्रक्शन का कामकाज है और क्षेत्र में ही रहने वाले एक व्यक्ति के घर का वह कामकाज कर रहा था, लेकिन जब 80% काम पूरा होने के बाद वह युवक से पेमेंट मांगने गया तो उसने पेमेंट देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने घर का काम करना बंद कर दिया। इस पर जिसके घर में वह काम कर रहा था उसने उसे अपने घर बुलाया और काम नहीं करने का कारण पूछा। इस पर युवक ने उसे पैसे नहीं मिलने की बात कही। इस पर वो नाराज हो गया और अपने 4 साथियों के साथ उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में यूसुफ, कबीर सहित 3 अन्य लोगों पर जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में काफी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। कल थाना आजाद नगर में एक परवेज अली सन ऑफ मुख्तार अहमद, 37 वर्ष के मदीना नगर के रहने वाले, इनकी रिपोर्ट पर करीब 5 लोगों के खिलाफ जो चौहान नगर के रहने वाले उनके विरुद्ध 307 का प्रकरण दर्ज हुआ। तो प्रकरण का मजमून यह है कि इसमें जो फरियादी है उसने यूसुफ खान का मकान बनाने का लेबर का ठेका लिया था और उसके बाद में क्या हुआ कि 80% काम पूरा होने के बाद इसने जो आरोपी गण इन लोगों ने उसके फरियादी के पैसे नहीं दिए, जिस पर क्या हुआ कि काम रोक दिया उसने। बाद में जब इसने फरियादी को बुलाया और पूछा कि भाई काम पूरा क्यों नहीं कर रहा, तो उसने अपने बताया कि मुझे बाकी का पेमेंट नहीं मिला है। तो उस बात को लेकर के दोनों पक्षों पर कहासुनी हुई और उसके बाद में ये जो 5 लोग हैं इन्होंने मिलके इसको इसके साथ मारपीट भी की और इसमें चाकू भी, जो मतलब मेन जो आरोपी है यूसुफ खान, इसने इसको चाकू भी मारा। तो इसको लेकर के प्रकरण हमने 307, 394, 323 का प्रकरण जो है वो संबंधित थाने में दर्ज करके आरोपी को भी गिरफ्तार किया।